नमस्कार, आर्भट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है। चैत्र माह की पूर्णिमा को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप ने वनराज केसरी और माता अंजनी के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो इन्हें सभी देवताओं में सबसे खास बनाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक और सृष्टि के अंत तक अपने शरीर के साथ इस धरती पर मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण स्वयं हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दिया है। वहीं धार्मिक मान्यता तो यह भी है कि जहाँ भी भगवान राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म स्थान और जन्मतिथि को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो उत्तर भारत से अधिक प्रचलित है। उसके अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कि दिवाली से एक दिन पहले हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की प्रकट हुई थी। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस वर्ष यह तिथि 8 अप्रैल दिन बुधवार यानी कि आज है। इस तरह हनुमान जी का जन्म पूरे देश में 2 दिन मनता है। दोस्तों, हनुमान जी की जन्मतिथि को लेकर जैसे एक मत नहीं है, उसी प्रकार उनके जन्म स्थान को लेकर भी एक मत नहीं है। वहीं एक मत के अनुसार झारखंड के गुमला जिले में एक गांव है जिसका नाम आंजन है। यही गुफा है हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहां हनुमान जी की एक प्राचीन प्रतिमा है जिसे इस बात का प्रमाण बताया जाता है कि यहीं शिव भक्त अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर चर्चित स्थानों में कर्नाटक का हम्पी भी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां रामायण काल में किष्किंधा नगरी हुआ करती थी, जहां के राजा सुग्रीव थे। यही हनुमान जी के पिता केसरी जी रहा करते थे। इसके अलावा गुजरात के डांड जिले के लोग भी यह दावा करते हैं कि यहाँ अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के जन्म स्थान और जन्मतिथि को लेकर जो भी मत हो, लेकिन इसके दोनों ही जन्मतिथि पर इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कोई भी प्राणी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इनकी पूजा करता है तो उसे किसी भी प्रकार की अरिष्ट का भय नहीं होता। दोस्तों, इन्हें पूजा में चोला चढ़ाने के साथ साथ सुगंधित तेल और सिंदूर चढ़ाने का भी विधान है। जयंती के उत्सव स्वरूप कई जगह श्रद्धालुओं द्वारा झांकी निकाली जाती है, जिसमें उनके जीवन चरित्र का नाट्य प्रारूप प्रस्तुत की जाती है। बहुत भक्त उन्हें 56 भोग का प्रसाद भी लगाते हैं। हनुमान जी के बाल्यकाल से ही तरह तरह की लीलाएं करना प्रारंभ कर दी थी। एक बार तो उन्होंने अधिक भूख लगने के कारण आकाश में उदित होते लाल सूर्य को मधुर फल समझकर मुंह में भर लिया, जिसके कारण संसार में अंधेरा छा गया। इसे देवताओं पर आई विपत्ति मानकर देवराज इंद्र ने आंजनेय पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिसके प्रभाव से उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। उसी के कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया। उन्हें प्रसन्न करने का प्रमुख उपाय है कि अपने घर में नित्य प्रति राम नाम का गुणगान करते रहना। राम भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने सभी 9 ग्रहों को राक्षस राज रावण से मुक्ति कराया था, जिसके फलस्वरूप शनि,
सहित सभी ग्रहों का वरदान है कि हनुमान के सच्चे भक्त को ग्रहों की दोष मार्केस अथवा मरण तुल्य कष्ट देने वाले ग्रहों की दशादि को दोष नहीं लगेगा। इनकी आराधना करते रहने पर भी अशुभ ग्रह शुभ फल देने पर विवश हो जाती है। तो दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन पवित्र नदियों सरोवर में स्नान करके हनुमान जी को चोला सिंदूर और लड्डू अर्पित करने से सारे दुख दूर होते हैं और ये हमारी परंपरा भी है। इस दिन हनुमान जी की वो प्रसन्नता के लिए हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और रामायण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लेपन करना चाहिए। चमेली या सरसों के तेल में दीप जलाएं और लाल रंग की बाती का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे आर्भट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी दबा लें। तब तक के लिए नमस्कार।